बोकारो में मजदूरों ने किया एक दिवसीय सम्मेलन। झारखंड के बोकारो में ठेका मजदूरों के हक की लड़ाई लड़ने वाली और पूरे दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा बुलंद करने वाली तथा लाल झंडे को लाल सलाम देने वाली यूनियन झारखंड क्रांतिकारी मजदूर यूनियन के बैनर तले केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार द्वारा श्रम नीति कानून पर किए गए हमले एवं मजदूरों को बंधुआ मजदूर बनाने के खिलाफ केंद्र की भाजपा सरकार के दमनकारी मजदूर नीति के विरोध में एक दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम बोकारो के नया मोड़ स्थित बिरसा आश्रम में रखा। सम्मेलन झारखंड क्रांतिकारी मजदूर यूनियन के महामंत्री डीसी गोराई के नेतृत्व में आयोजित की गई। इस मौके पर यूनियन के केंद्रीय अध्यक्ष बच्चा सिंह विशेष रूप से उपस्थित हुए। मीडिया से बात करते हुए यूनियन के केंद्रीय अध्यक्ष ने कहा कि देश की सभी मजदूरों को भाजपा की सरकार ने कैद कर रखा है। उन्होंने कहा कि देश की फांसीवादी सरकार मजदूरों को 44 कानून को बदलकर 4 कानून में तब्दील कर रही है, जिसे लेकर 26 नवंबर को देशव्यापी हड़ताल किया जाएगा। कार्यकर्ता सम्मेलन बोकारो में विशाश्रम में संपन्न हो रहा है। मेन विषय आज का सम्मेलन का है जो वर्तमान जो भाजपा कांग्रेस सरकार द्वारा मजदूर विरोध में जो कानून पास किया गया है जो संसद के उसी उपलक्ष्य में हम लोग आज पूरे झारखंड का चाहे यूरेनियम हो, चाहे कोपार हो, चाहे रोंगटा माइंस हो, चाहे बोकारो स्टील हो, चाहे डीवीसी का पावर हो, चाहे वो मधुबन का क्षेत्र हो, यानी तमाम जो कारखाना कल कारखाना है उसमें काम करने वाले मजदूर वर्ग की कार्यकर्ताओं का आज सम्मेलन में हम लोग केंद्र सरकार द्वारा ये कानून पास किया कानून को हम लोग प्रतिवाद करेंगे और आने वाला दिन में मजदूर वर्ग का सामने जो भयानक एक चुनौती खड़ा कर दिया उस चुनौती से हम लोग कैसे पार होंगे उसका मंथन होगा और आने वाला दिन में जो देशव्यापी आंदोलन उसको हम लोग हर हाल में सफल बनाने की कोशिश करेंगे। 26 तारीख को जो हड़ताल करने वाले कैसा रूप रहेगा? 26 तारीख को हड़ताल 24 घंटा का हड़ताल है, सुबह 6 बजे से दूसरे दिन 6 बजे तक पूरे देशव्यापी जितना कल कारखाना है मैंने केंद्रीय कल कारखाना हो या झारखंड सरकार का कल कारखाना हो, राज्य सरकार का हो या बैंक हो या LIC हो, ये तमाम जो संस्थान है तमाम लोगों ने केंद्रीय जो ट्रेड यूनियन द्वारा आह्वान किया गया है उसे हम लोग नैतिक समर्थन ही नहीं उसको हम लोग बढ़ चढ़ के फिजिकली हम लोग उसको सफल बनाने का झारखंड कांति के मौजूदों में हम लोग प्रयास रहे। आज 22 नवंबर 2020 को झारखंड क्रांतिकारी मजदूर यूनियन की ओर से मजदूरों का एक सम्मेलन बिरसा भवन मैमोर में रखा गया है। यह सम्मेलन हम लोगों का पिछले जो केंद्रीय बैठक किया गया था सेक्टर 9 कार्यालय में उसी में तय किया गया था और उसमें यह तय हुआ था कि भारत का जो खास करके मजदूर वर्गों के ऊपर जो विभिन्न तरीकों से हमलाएं केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही है, मजदूरों के श्रम कानून श्रम अधिकार के रूप में बचाने के लिए कई सारे श्रम कानून बने हुए थे जो मजदूरों ने अपने संघर्ष और बलिदान के बल पर बनाए थे, उन सारे कानूनों को समाप्त करके जो मजदूर वर्ग का 44 कानून था उसको समाप्त करके 4 कोड में तब्दील किया जा रहा है और एक तरह से मजदूर वर्ग को जो भारत के बड़े बड़े पूंजीपति हैं उनके हवाले छोड़ करके और उनको विभिन्न तरह का जो अत्याचार कंपनियों के द्वारा जो लूट मजदूर वर्ग को किया जाता है उस लूट के लिए खुला छूट दे दिया जा रहा है और मजदूर जो है वो एक तरह से काम करते हुए कानून न रहने के कारण काम करते हुए भी बेसहारा बना दिया जा रहा है। इसलिए आज हम लोग केंद्रीय सम्मेलन जो कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है इस सम्मेलन के माध्यम से हम अपने आगे का जो आंदोलन है और साथ ही साथ जो 26 तारीख का जो ऑल इंडिया में हड़ताल किया जा रहा है पूरे भारत के अंदर
उस हड़ताल को भी आज हम लोग समर्थन कर रहे हैं और आगे जो भी लड़ाई मजदूर वर्ग का इस मजदूर विरोधी रवैया के खिलाफ में जो ब्राह्मणीय हिंदुत्व फाशीवादी सरकार के द्वारा अपनाया जा रहा है उसके खिलाफ में जो भी लड़ाई होगी वो हम झारखंड क्रांतिकारी मजदूर यूनियन की ओर से आगे लड़ाई को तेज करेंगे।